हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है जैकोबियन और आज हम इसके सभी बेसिक पॉइंट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जैकोबियन का डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन होते हैं, ऐसे में हम उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी डिटरमिनेंट को जैकोबियन कहते हैं। देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, हमने यहां पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, देन द डिटरमिनेंट। देखो यहां पे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है जो कि एक मॉड है और उसमें लिखा है डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस होते हैं, ऐसे में हम उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को जैकोबियन कहते हैं। तो यहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है जो कि है x एंड y और उसके दो फंक्शंस है, दैट इज u एंड v। तो ऐसे में हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है, इसी को आप जैकोबियन कहते हैं और हमने उसको यहां लिखा है जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। और इसको अगर दूसरे फॉर्म से अगर डिनोट करना है तो इसको डिनोट करने के लिए हमने यहां पे लिखा है एंड इज डिनोटेड बाय, देखो कैपिटल j, कैपिटल j माने जैकोबियन और ब्रैकेट में लिखा है न्यूमरेटर में u v और डिनोमिनेटर में x y, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल u v बाय डेल x y, इट मींस इनडायरेक्टली जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो ये दो फंक्शन और दो वेरिएबल के लिए हमने डेफिनेशन लिखा है, आप इसको तीन फंक्शन और तीन वेरिएबल के लिए भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन फिर कुछ ऐसा होगा, देखो यहां पे हमने लिखा है सिमिलरली जैकोबियन ऑफ u v w जो कि तीन फंक्शन है और यहां पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है विद रिस्पेक्ट टू x y z, ऐसे में हम इसका जैकोबियन यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज j ऑफ u v w बाय x y z, इट मींस जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। और उसको अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है तो देखो यहां पे डिटरमिनेंट यहां पे हमने बनाया है और इसका ऑर्डर है 3/3, इट मींस इसमें 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम्स है और उसके एलिमेंट्स देखो क्या है, दैट इज डेल u बाय डेल x, देन डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z। यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है u का विद रिस्पेक्ट टू x y z। उसी तरह से सेकंड रो में देखो क्या लिखा है, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल z, इट मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x y z। और फिर थर्ड रो में है डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y, डेल w बाय डेल z, इट मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो ये जैकोबियन का डेफिनेशन हो गया तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीन फंक्शन के लिए, जबकि ये जैकोबियन का डेफिनेशन हो गया दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो फंक्शन के लिए। तो इस तरह से आप आसानी से जैकोबियन को डिफाइन कर सकते हैं और इसको डिनोट करने का तरीका हमने आपको बता दिए। तो ये जैकोबियन का डेफिनेशन के बाद अब हम स्टडी करेंगे जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज। जैकोबियन की तीन प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है, तो चलो हम प्रॉपर्टीज स्टडी करना शुरू करते हैं। तो ये देखो ये हमने प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पे कुछ लिखा है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो काफी सिंपल प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो फंक्शन ऐसा लिया है और उसको लेके हमने ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लिखी है। तो यहां पे हमने लिखा है इफ जे, इट मींस जैकोबियन, इफ जे दैट इज जैकोबियन ऑफ, दैट इज देखो क्या लिखा है, डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, इट मींस जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये हमने एक यहां पे जैकोबियन का टर्म लिखा है और इसके बाद सेकंड यहां पे हमने लिखा है एंड जे डैश, जे डैश इट मींस इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ जे। तो यहां पे देखो जे डैश में क्या लिखा है, दैट इज डेल एक्स वाई बाय डेल यू वी, इट मींस जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो ये जो जे है ये इसका रेसिप्रोकल है, या उल्टा बोलो ये जो जे डैश है ये इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। तो देखो यहां पे हमने लिखा है देन j into j dash equals to 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यहां पे j into j dash किया है, यानी ही ये del की टर्म्स, ये del की टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। देखो ये del की टर्म्स हमने यहां लिखा है del uv by del xy और ये del की टर्म्स हमने यहां लिखा है into del xy by del uv। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन जो काफी सिंपल है। और अब हम स्टडी करते हैं जैकोबियन की सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है चेन रूल प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन। इसको हमने ऐसा लिखा है व्हेन द वेरिएबल ग्रुप्स आर इन चेन फॉर्म, जो ये वेरिएबल ग्रुप्स होते हैं अगर ये चेन फॉर्म में अगर दिए हैं, ऐसे में यहां से बनती है दैट इज चेन रूल प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन। तो ये क्या कहती है, देखो यहां पे हमने स्टेटमेंट में कुछ लिखा है, यहां पे लिखा है इफ यू वी आर द फंक्शन ऑफ आर एस एंड आर एस आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई देन,
ठीक है। तो यहां पे तीन ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये तीनों एक में के ऊपर डिपेंडेंट है। इट मींस इसके थ्रू एक चेन बनी है। यूवी आरएस का फंक्शन है और आरएस एक्स वाई का फंक्शन है, ऐसे में यहां से चेन बनती है। तो देखो हमने यहां पे चेन बनाई है, देखो यहां पे चेन आपको दिखाई दे रही, ये है चेन जो हमने बनाई है। U and V are the function of R and S, and R and S are the function of that is X and Y. ये हमने चेन बनाया है। इसके पहले ऑलरेडी हमने चेन रूल के ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे, वहां से आप चेन रूल स्टडी कर सकते हैं। एक बार चेन बन जाती है तो फिर वो चेन में आप आसानी से चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं और एक उसका एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखो यहां पर हमने बनाया है, देखो ये हमने जो चेन बनाया है, अब ये चेन में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई कैसे करना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यू वी से एक्स वाई की तरफ जाएंगे। अगर आप UV से XY की तरफ जाएंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, देखो del UV by del XY, it means Jacobian of UV with respect to XY। UV से सीधा XY की तरफ जाना है, ये हो गया डायरेक्ट। और अब इसको आप स्टेप वाइज करो, अगर इसको स्टेप वाइज करना है तो ऐसा UV से RS, RS से XY, ठीक है, ये हो गया स्टेप वाइज। तो UV से RS अगर आप जाएंगे तो आप ऐसा लिखेंगे, देखो del UV by del RS, it means Jacobian of UV with respect to RS, और फिर RS से XY जाएंगे तो फिर into यहां पे लिखा है del RS by del XY, it means that is Jacobian of RS with respect to XY। तो ये हो गया, यहां पे हमने चेन रूल अप्लाई किए। तो ये थी दैट इज चेन रूल प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन, ठीक है। और अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज फंक्शनली रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन। ये क्या है, देखो हमने यहां पे हेडिंग लिखा है, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट कुछ लिखना है, लेकिन फिलहाल हमने ये जो लिखा है, उम्मीद करते हैं कि ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें फंक्शनली रिलेटेड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना है। तो चलो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है, काफी सिंपल है। तो यहां पे लिखा है इफ यू वी आर फंक्शनली रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, देन देखो यहां पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दैट इज डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर यू वी अगर एक्स और वाई से फंक्शनली रिलेटेड अगर है तो ऐसे में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे दो फंक्शन और दो वेरिएबल है, लेकिन अगर आप इसी को तीन फंक्शन और तीन वेरिएबल के लिए लिखेंगे तो यहां पे लिखा है और इफ U, V, W are functionally related to X, Y, Z, then देखो यहां पे लिखा है तीन वेरिएबल और तीन फंक्शन के लिए क्या लिखा है, दैट इज डेल यू वी डब्ल्यू बाय डेल एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वल्स टू जीरो लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये इक्वल्स टू जीरो हम लिखते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि U एंड V आर फंक्शनली रिलेटेड टू X एंड Y। इस तरह से ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी स्टडी कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जैकोबियन ये टॉपिक का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आने वाले दिनों में इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ताकि ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।